मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता है. मैं एक इनफर्टिलिटी और IVF कंसल्टेंट हूँ. मैंने अपनी पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है और मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ. आज हम बात करेंगे IUI के बारे में. IUI या इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन. हम जानेंगे कि ये प्रोसेस कब किया जाता है, इस प्रोसेस के इंडिकेशंस क्या है, ये कैसे किया जाता है और इसकी सक्सेस रेट्स कितनी रहती है. तो सबसे पहले IUI है क्या. IUI या इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन का मतलब है कि हस्बैंड के मोटाइल स्पर्म्स वाइफ के यूट्रस में डाल दिए जाए जिस टाइम ओवुलेशन हो रहा हो या फिर एग्स रिलीज हो रहे हो. ऐसा करने से वी होप कि हमारे चांसेस ऑफ कंसेप्शन बढ़ जाते हैं. तो किन पेशेंट्स को IUI हेल्प करता है. IUI के मोटे मोटे तौर पर चार इंडिकेशंस हैं. IUI करा जा सकता है जिन पेशेंट्स में माइल्ड मेल फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी है, यानी थोड़े से हस्बैंड के स्पर्म्स में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा काउंट में इश्यू है या थोड़ा सा मोटिलिटी में इश्यू है, जो हम स्पर्म्स को प्रोसेस कर बेटर मोटाइल स्पर्म्स को अगर हम निकाल पाते हैं तो कंसेप्शन रेट्स को इम्प्रूव कर पाएंगे. पर अगर सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, 5 मिलियन से कम काउंट है, मोर्टिलिटी बहुत ही कम है, तो IUI का कोई फायदा नहीं है. IUI का सेकेंड इंडिकेशन होता है पेशेंट जिनको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, मतलब कि ट्यूब्स भी खुली हुई है, एग्स भी ठीक से बन रहे हैं, हस्बैंड की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, बट फिर भी कंसेप्शन नहीं हो पा रहा. तो इन पेशेंट्स में भी हमें देखा गया है IUI के द्वारा हम प्रेगनेंसी रेट्स अचीव कर सकते हैं. पर ये जरूरी है ये जानना, अगर आपकी अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी लॉन्ग ड्यूरेशन की है, मोर देन 4-5 ईयर्स हो गए, तो इसका इतना फायदा नहीं होता. जो थर्ड इंडिकेशन है IUI का, वो उन पेशेंट्स में होता है जिनमें सेक्सुअल डिसफंक्शन है या फिर कोई लॉजिस्टिक इश्यूज है, ejaculatory issues है, वाइफ को vaginismus है, या फिर हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रहते, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो टाइम नहीं कर पाते, तो उन पेशेंट्स में IUI के द्वारा प्रेगनेंसी अचीव करी जा सकती है. जो फोर्थ इंडिकेशन है IUI का, वो है डोनर इंसेमिनेशन. मान लीजिए हस्बैंड की रिपोर्ट्स में इतनी प्रॉब्लम है कि इवन IVF से प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, तो अगर हमें डोनर स्पर्म्स के यूज करने हैं तो उसमें डोनर IUI के द्वारा प्रेगनेंसी करी जा सकती है. सो IUI, हस्बैंड की मोटाइल स्पर्म्स वाइफ के टाइम में ओवुलेशन में डालना, चार इंडिकेशंस है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी माइल्ड, डोनर IUI एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन. अब थर्ड क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि IUI की सक्सेस रेट्स कितनी है. IUI की सक्सेस रेट 8-10% से लेके 20-25% तक हो सकती है. ये डिपेंड करता है कि IUI आपने नेचुरल साइकिल में करा है या फिर आपने ओवेरियन स्टिमुलेशन यूज करा है IUI करने के लिए. नेचुरल साइकिल में लीस्ट प्रेगनेंसी रेट 8-10% रहती है, जबकि ओवेरियन स्टिमुलेशन जाके अगर गोनाडोट्रोपिन्स यूज करके 1-2 eggs बनाकर तब करते हैं IUI, तो प्रेगनेंसी रेट 20-25% भी अचीव करी जा सकती है. सेकेंड क्वेश्चन, IUI कितनी बार किया जा सकता है. IUI मैक्स IUI करने से कोई नुकसान नहीं होता. कि अगर हमने IUI बार बार आपका अगर कर दिया है तो हमारी बॉडी को कोई नुकसान होता है, बट IUI की भी प्रेगनेंसी रेट्स होती हैं, उसके चांसेस ऑफ कंसेप्शन होते हैं. अगर हम IUI माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के लिए कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि मोर देन 4 साइकिल्स करने के बाद IUI से प्रेगनेंसी अचीव करने के चांसेस कम ही हो जाते हैं, और हायर अग्रेसिव ट्रीटमेंट्स लाइक IVF के बारे में हमें सोचना चाहिए. जबकि अगर आप सेक्सुअल डिसफंक्शन या डोनर IUI कराते हैं, तो एज मच एज 6 साइकिल्स ऑफ IUI करा सकते हैं बिफोर थिंकिंग अबाउट एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स लाइक IVF. IUI की प्रोसेस कैसे होती है. IUI की प्रोसेस में हम सबसे पहले सेकेंड डे ऑफ द साइकिल पेशेंट को बुलाते हैं. उस दिन पेशेंट का स्कैन किया जाता है ये देखने के लिए कि उनकी ओवरीज ठीक है, उसमें कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उस दिन से आपकी ओवेरियन स्टिमुलेशन की ड्रग्स शुरू हो जाती हैं. वो ओरल भी हो सकती है और इंजेक्टेबल्स भी हो सकती है. इन दवाइयों के शुरू करने के बाद 9वें-10वें दिन ऑफ साइकिल के हिसाब से आपके स्कैन शुरू हो जाते हैं. जो ये स्कैन्स होते हैं ये डेली ऑल्टरनेट डिपेंडिंग ऑन योर डॉक्टर टू डॉक्टर करे जा सकते हैं. जब एक पर्टिकुलर साइज ऑफ द फॉलिकल अचीव हो जाता है, मोर देन 18 mm अगर आपके एग्स अचीव हो जाते हैं, तो आपको डॉक्टर आपके ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं जिसको HCG इंजेक्शन कहा जाता है. इस इंजेक्शन देने के 36 to 42 hours के बाद IUI किया जाता है. IUI इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में होता है, जिसमें एक पतला सा कैथेटर आपके यूट्रस के अंदर जाता है और हस्बैंड के स्पर्म्स को यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है. ऑन द डे ऑफ IUI हस्बैंड एटलीस्ट
हस्बैंड मॉर्निंग में अपना सैंपल देते हैं, उसके एक डेढ़ घंटे बाद IUI होता है बिकॉज प्रोसेसिंग में टाइम लगता है. इट्स अ वेरी स्मॉल ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर जिसमें कोई एनेस्थीजिया, कोई भूखे पेट रहने की जरूरत नहीं होती है. प्रोसीजर 10 मिनट में ओवर हो जाता है. आफ्टर केयर IUI की ऐसी कोई पर्टिकुलर नहीं होती है कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, आपको रेस्ट करना है, आपको कोई पर्टिकुलर डाइट खानी है. जो नॉर्मली आप अपना दिनचर्या मेंटेन करते हैं वही दिनचर्या आपको मेंटेन करनी होती है. ये जरूरी है कि इवन IUI हैज बीन डन, इट डजंट मीन कि आपको ट्राई नहीं करना है. आप IUI से पहले भी इंटरकोर्स कर सकते हैं, IUI के बाद भी इंटरकोर्स कर सकते हैं. IUI की वजह से कि आप इंटरकोर्स ना करें, आपको लंबा गैप चाहिए IUI करने का, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है. IUI करने के ऑलमोस्ट 14 टू 16 डेज के बाद हमें पता चलता है कि वेदर हमें प्रेगनेंसी अचीव हुई है या नहीं हुई है. जो IUI की कॉस्ट होती है वो अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ दवाइयाँ, डॉक्टर के कंसल्टेशन, लेबोरेटरी चार्जेस जो सैंपल प्रोसेस करते हैं, वो मिलाकर अंदाजन 10 से 15,000 रुपए के बीच में दिल्ली में पड़ सकती है. तो आज हमने ये जाना कि IUI एक प्रोसीजर है जो बहुत ही सेफ आउट पेशेंट प्रोसीजर है जिसमें अच्छी प्रेगनेंसी रेट्स एज हाई एज 20-25% पर साइकिल अचीव करी जा सकती है जिन पेशेंट्स में इंडिकेटेड प्रोसीजर है. ये बहुत लंबा ट्रीटमेंट नहीं है, ये अगर आपको जरूरत है तो आपको आपकी सफलता पहुंचा सकता है. होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने कुछ नया ही जाना होगा.